हम फर्स्ट मत्तियस में जाएंगे, उसकी 2:3-4, जहां पे ऐसे लिखा, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाता भी है, जो जे चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली बाती पहचान ले। आमीन। क्या कर लें? लिखा ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और बाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली बाती। ये माइक की गूंज कम करो। जो चाहता है कि मेरे लोग सत्य को भली बाती जानी। क्या चाहता है परमेश्वर? उसकी क्या इच्छा है अपने लोगों के लिए? परमेश्वर की अपने लोगों के लिए क्या इच्छा है? सब लोगों के, सब पृथ्वी के लोगों के लिए। हा? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के लोग किसके लोग हैं? किसके लोग हैं? परमेश्वर के। हाँ, वो अलग बात है कि सब अपने अपने धर्म में रहकर क्या कर रहे हैं लोग। हा? समझ रहे हो? पर ये पूरी दुनिया किसका परिवार है? किसके बनाए हुए लोग हैं? परमेश्वर के। और वो परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है, वो चाहता है कि सब मनुष्य बचाए जाएं और मेरे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। जैसे आज बहुत सारे लोग कोरोना से मर रहे हैं। क्या मर रहे हैं? कोरोना से मर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को, न्यूज चैनल पर आप देखो, यूट्यूब पर देखो, तो लोगों को ऑक्सीजन मिलने की वजह के कारण लोगों की डेथ, मतलब मौत हो रही है। क्या हो रही है? मौत हो रही है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हाँ, मिल नहीं रही, तो लोग ऐसे मरते जा रहे हैं, उस कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। एक साइड तो वो ऑक्सीजन इस बीमारी के कारण मर रहे हैं, और दूसरी साइड पाप से। किससे? पाप से। जैसे कोरोना भी, कोरोने की जो कोरोना की बीमारी है, ये परमेश्वर ने तो नहीं भेजी। हाँ, जब परमेश्वर अपने लोगों को उस कोरोना से मार रहा है। हाँ, क्योंकि यहां पे लिखा उसकी चाहत है सब मनुष्य बचाए जाएं। क्या जाएं? सब मनुष्य बचाए जाएं और सत्य की भली बातें जाने। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें मार रहा है। कौन मार रहा है? जैसे संसार में लोग सोचते हैं। हा? कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं, और जो ईसाई क्रिश्चियनिटी में भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे बाइबल में पहले लिखा है कि अंत के दिनों में यह होगा। हाँ, होगा। ये मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, कि अंत के दिनों में होगा, महामारियां आएंगी, ऐसे लिखा यीशु मसीह ने कहा है। हाँ, कि अंत के दिनों में ऐसे होगा, महामारी आएंगी, पुचाल आएंगी, लड़ाइयां होंगी, बहुत कुछ होगा, इसलिए ये हो रहा है। क्या हो रहा है? पर ये क्यों हो रहा है? जब तक हम परमेश्वर की बात को अच्छे से नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तो हमें समझ नहीं आएगी कि ये काम कौन कर रहा है। हाँ, ये कोरोना से परमेश्वर मार रहा है कि कौन मार रहा है? हाँ, कि जहां जो ये हजारों साल पहला जो पहले जो भविष्यवाणियां हुई, जहां यीशु मसीह ने जो चीज कही कि अंत के दिनों में ये होगा, ये परमेश्वर काम कर रहा है। हाँ, पर बाइबल में तिमोथियस को पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार मिले। हाँ, अभी लोग जो कोरोना से मर रहे हैं बिना यीशु मसीह को जाने, वो बिना उद्धार के कौन उनकी जिंदगी को नाश कर रहा है? कौन उसे नरक में धकेल रहा है? परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तो बचाना चाहता है। क्या चाहता है? पर उन लोगों को कौन मार रहा है? शैतान मार रहा है। हाँ, कौन मार रहा है? शैतान। और उसकी वजह क्या है? पाप। क्या है उसकी वजह? पाप। और पाप
की वजह से शुरू में जब आदम और हवा ने जब पाप किया, क्या किया, और शुरू से लेकर जब पाप हुआ, क्या हुआ, और पाप की वजह के कारण जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, और एक समय पाप पृथ्वी पर बढ़ने की वजह के कारण जल प्रलय आई, और परमेश्वर शुरू से ही अपने लोगों को बचाता आया। हा? और कैसे परमेश्वर ने अपने दास नूह को खड़ा करके उसकी जिंदगी से फिर अपने वंश को बनाकर रखा, क्या रखा, अपने वंश को बनाकर रखा। और आज उस पाप को परमेश्वर ने इस अंतिम युग में यीशु मसीह के द्वारा उसे खत्म कर दिया। आमीन। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हा? और शुरू से लेकर जो शुरू में पाप आया, शुरू में जो पाप आया, और शुरू से लेकर आज तक परमेश्वर अपने लोगों को संभाल रहा है। क्या कर रहे हैं, संभाल रहा है, क्या कर रहे हैं, संभाल रहा है। और आज तो मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस पाप का क्या कर दिया, अंत कर दिया, खत्म कर दिया। हा? अगर लोग कोरोना से मर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही, तो इसका कारण परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने लोगों के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन बनाई है। क्या कर रही है, पर पाप की वजह से कारण, इस महामारी की, इस बीमारी के कारण वो ऑक्सीजन शैतान ने क्या कर दी, बंद कर दी। पर आज भी जो कोई भी यीशु मसीह को जानेगा और उस पर विश्वास करेगा, जो ऑक्सीजन 24 घंटे अवेलेबल है, वो अभी भी ले सकता है, चाहे वो मर रहा है। क्या कर रहा है, चाहे वो मर रहा है, वो अभी भी इस ऑक्सीजन को, यीशु मसीह को जानने के बाद वो परमेश्वर से ले सकता है। ये परमेश्वर की बहुत महान इच्छा है अपने लोगों के लिए, समझ रहे हो। इसीलिए हबकूक नबी भी, अगर आप बाइबल में पढ़ो, हबकूक नाम का एक नबी था, और वो परमेश्वर से कंप्लेंट कर रहा था कि परमेश्वर दुष्ट तेरे लोगों को निगल रहा है, मार रहा है, और तू आसान, तू चुप करके बैठा है। हाँ? जैसे अभी कितनी दुनिया इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण, इस बीमारी के कारण मर रही है। हाँ? ऐसे ही हबकूक नबी ने परमेश्वर से कंप्लेंट की, शिकायत की कि परमेश्वर दुष्ट तेरे लोगों को निगल रहा और मार रहा है, तू आराम से बैठा है, तू कुछ करता नहीं। तो परमेश्वर ने हबकूक को उत्तर दिया कि नहीं, मैं अपने पहरे के गुम्मट पर त्यार बर त्यार हूं कि कौन कब उस मन से, उस विश्वास से, चाहत से मेरे पास आए, तो मैं उसकी जिंदगी में क्या करूं, काम करूं। आमीन। क्या करूं, मैं उसकी जिंदगी में क्या करूं, काम करूं। तो करना चाहता है, हर एक की जिंदगी में करना चाहता है, क्या करना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा किसके बिना नाश हो रही, ज्ञान बिना। अभी जितने लोग मर रहे हैं इस बीमारी के कारण, अगर सबके पास खुदा का ज्ञान जाए, उसका वचन उनके पास जाए, तो क्या वो बच नहीं सकते, बच नहीं सकते, बच सकते। और हमें परमेश्वर ने इसलिए ही चुना है कि हम लोगों को बताएं, क्या बताएं, जो लोग नहीं सत्य को जानते। जैसे तिमोथियुस को कहा कि मेरी चाहत है कि सब मनुष्य बचाए जाएं और उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति जाने। किसको जाने, सत्य को भली भांति जाने। और जितने लोग सत्य को जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे, वो छुड़ाए जाएंगे और बचाए जाएंगे। हाँ, ऐसी चाहे कितनी भी महामारियां आए, क्या आए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कहा ऐसे वचन में, जैसे दाऊद भी कहता है कि जब बड़ी बाढ़ आएगी तो वो तेरे ढेरे तक नहीं पहुंच पाएगी, क्या नहीं पाएगी, तेरे ढेरे तक नहीं पहुंच पाएगी, तेरे तक नहीं पहुंच पाएगी वो बाढ़। और एक जगह पे ऐसे जर्मिया की पुस्तक में भी लिखा है कि जब तू आग में होकर चलेगा तो आग तुझे साड़ ना सकेगी, जब तू पानियों से होकर गुजर जाए तो पानी तुझे डुबो ना सकेंगे।
देखो परमेश्वर की अपने लोगों के लिए कितनी बड़ी विल है, कितनी बड़ी इच्छा है। बोलो परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या चाहता है। देखो हा? कहता है जब तू आग के बीच में होकर गुजरे तो आग तुझे साड़ नहीं सकेगी, जब तू पानियों से होकर जाए तो वो पानी तुझे डुबो ना सकेंगे। क्या ना करेंगे, वो पानी तुझे डुबो ना सकेंगे। अब देखो परमेश्वर की अपने लोगों के लिए कितनी महान इच्छा है, कितनी बड़ी परमेश्वर की चाहत है अपने लोगों के लिए, और लोग इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं, समझते हो। और जितने लोग इसे समझेंगे और जानेंगे वो छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे। हाँ, अगर आज ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं तो परमेश्वर ने चाहता है बचाना, पर उन्हें शायद उनको कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, समझते हो, उन्हें बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। पर हमें इसीलिए परमेश्वर ने चुना है उनसे पहले कि हम लोगों को बताएं और समझाएं कि सच्चा खुदा कौन है, किसने इस दुनिया को रचा और बनाया, और वो क्या चाहता है। बोलो वो क्या चाहता है। तो परमेश्वर हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है। हा? वो नहीं चाहता कि मेरी दुनिया नाश हो। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, क्या हो, बचाया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या ना हो, वो नाश ना हो, बचाया जाए। क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म की बात नहीं, किसी जाति की नहीं, मजहब की नहीं, वो पूरी दुनिया की बात कर रहा है। हा? कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो बचाया जाएगा। क्या जाएगा, जैसे आज हम बहुत से लोगों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं, हा? धर्म वालों का नहीं, क्या है, वो ईसाइयों का नहीं, वो धर्म वालों का नहीं है, वो सारे जगत का एक सच्चा सतगुर वो प्रभु है जो हमें पाप से बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। हाँ, और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है। क्या कर दिया है, दे दिया, समझ आ रही है। सो यही परमेश्वर की विल है, उसकी इच्छा है अपने लोगों के लिए, और वो चाहता भी है। बोलो क्या चाहता है, वो चाहता भी है कि मेरे लोग बचाए जाएं। पर मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जैसे अभी बहुत सारे लोग, जैसे बाइबल में हमने पढ़ा कि सत्य को बलि बाती जाने, किसको जाने, सत्य को बलि बाती, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के ज्ञान को ना समझने की वजह के कारण, ना जानने की वजह के कारण आज वो दुखों में, प्रॉब्लम में, हालातों में, क्या है, दुखों में और हालातों में, समझ रहे हो। और जितने लोग परमेश्वर के ज्ञान को, जैसे यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा, क्या करेगा, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जो सत्य को एक बार समझ गए, हाँ, वो दूसरी बार, हाँ, वो फिर ये नहीं, ये अंगीकार नहीं करेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे कि नहीं अभी अभी मैं अभी नहीं अभी मेरे लिए, जैसे सुनकर भी वो ऐसे ही सोचेंगे कि नहीं अभी मेरे लिए हुआ नहीं। हाँ, ऐसे वो करेंगे, क्या है, अभी मेरे लिए हुआ नहीं। पर ये यही बात है जो हम बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध इस समय अपने लोगों के लिए क्या है। हाँ, अगर परमेश्वर ने अपना काम कर दिया तो अपने भी पॉजिटिव, हमेशा एक अच्छे विश्वास में बने रहना है, अपने कोई नकारात्मक बातों को अपने अंदर लेकर नहीं आना, और ऐसे नहीं सोचना कि मेरी ये बीमारी अभी है, हाँ, मेरी तकलीफ है। आपने खाली सिर्फ अपने मुंह से धन्यवाद करना है, क्या करना है,
अपने खाली अपने मुंह से धन्यवाद करना है और हमेशा एक अच्छा अंगीकार करना है, एक अच्छा विश्वास करना है कि नहीं, कि नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए, क्योंकि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया, जिसके लिए मुझे उसने अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है, तो उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है।